लाहौर में जो वहाँ पे जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे उन्होंने भी सदर साहब से शिकायत की अपने कारकुनों के हवाले से। उन्होंने कहा है कि शिकायत की है कि जो हमारे कारकुन हैं वो काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो उस पर जरदारी साहब ने कहा है कि अब मैं मैदान में आ गया हूँ, बहुत अच्छा। काम होगा, ड्राइंग रूम की जो सियासत है उसको ख़त्म करना होगा, वो नहीं चलेगी, सबको बाहर निकलना होगा। और पार्टी की तंजीम में उन्होंने कहा कि नौजवानों को आगे लाना होगा। सो ये अब बड़े पुरजम हैं और वो कहते हैं जी मैं मैदान में आ चुका हूँ, लेट्स सी। वैसे बहुत मरतबा हमने देखा पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन से पहले भी काफ़ी तनकीद होती है, इलेक्शन के बाद भी काफ़ी तनकीद हमें नज़र आ रही होती है, बट प्रैक्टिकली कुछ नहीं देखते हैं। अच्छा, लेकिन सभी मुझे कह रहे हैं कि मैं करने वाला जीने वाला जेल में, तो इस वक्त खुद वो क्या कर रहे हैं? मैं आ गया हूँ मैदान में, मैं ये करूँगा, मेरा ये विजन, मेरा ये फैसला, मैं ये कर दूँ तो पार्टी ऐसे, मैं ये कर दूँ तो नून लीग की हुकूमत चली जाएगी। तो मैं नहीं कुछ कह रहा, मैंने कुछ नहीं कहा, ये तो आप कह रहे हैं, मैं सिर्फ कोट कर रहा हूँ। अब बताएं वो क्या कहते हैं शहबाज शरीफ साहब? हाँ। अच्छा, शहबाज शरीफ इनको जवाब नहीं दिया, लेकिन आईएमएफ से मुताल्लिक उन्होंने बात जरूर की। उन्होंने कहा कि आईएमएफ से निजात का हदफ जो है वो बातों से पूरा नहीं होगा, वजारतों को बेसिकली उन्होंने कहा अपनी अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाए और फैसलों का नफाज जो है वो करें। वफाकी काबीना से उन्होंने खिताब किया था और कहा था कि किसी भी वजारत की जरा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वक्त बर्बाद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और पाकिस्तान की हालत हम सबके सामने है, कौम की खिदमत करना होगी और करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा जी कड़वे फैसले करना पड़ेंगे। व्हाट डज दैट मीन? राइट सी बात है, आवाम के लिए कड़वे फैसले करना पड़ेंगे, आवाम के लिए समझ जाए, आवाम की फेवर में नहीं, बट आवाम को उन फैसलों को जो है वो कबूल करना होगा। अच्छा, चूंकि अब देखिए ये बात फैसलों की है, ये बात काबीना की है, ये बात आईएमएफ से मुतालिक भी है, बात आवाम की भी है, ये बात मुश्किल की भी है, तो इसमें हम जरूर बात करेंगे उनसे जो कि पहले साथी भी रहे हैं इनके और अब एक नई पार्टी बना ली है उन्होंने और वो जरा मईशत पे खासी ग्रिप करते हैं, आवाम पाकिस्तान पार्टी। और हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस्माइल साहब, मिफ्ता साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मिफ्ता साहब, सबसे पहले तो जब हम आपकी पार्टी से मुतालिक बात करें, आवाम पाकिस्तान पार्टी, ये कैसे पाकिस्तान की मईशत ठीक कर सकती है, प्लान क्या है आपके पास? जी बहुत शुक्रिया, और ये सवाल बड़ा संजीदा सा भी है और बड़ा मुश्किल सा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये इम्पोर्टेंट तरीन सवाल है कि पाकिस्तान की इस बिगड़ती हुई मईशत को ठीक करने का हमारे पास क्या प्लान है। हमने बतदरीज ये बात की और मैं और शायद अब्बासी साहब तो चंद सालों से ये बात कर रहे हैं कि जब तक ये हम एनएफसी अवार्ड को फिर से नहीं देखेंगे जिसके अंदर सूबों को बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए गए हैं और वफाक को एकदम आपने दिवाली की नहज पे छोड़ा है, जब तक महंगाई कम नहीं होगी, गुरबत कम नहीं होगी और खसारे कम नहीं होंगे, तो पहले तो एक एनएफसी अवार्ड को देखना है और हम खुद ही वो पैसे पाट रहे हैं। दूसरा, आपने इस बजट में भी देख लिया कि हुकूमत ने 700 अरब रुपया PSDP पिछले साल के मुकाबले में इस साल 1400 अरब रुपये शुरू में रखे। कोई सेंस नहीं है कि 100% जो है वो आप PSDP बढ़ा दें, जिसके अंदर आपको पता है कि बड़ी करप्शन होती है और PSDP के अंदर फिर आपने पाकिस्तान भर के अंदर सूबे और वफाक ने मिलकर 500-600 अरब रुपया जो है वो MNAs और MPA के प्रोजेक्ट्स रख दिए। इस वक्त जरूरत नहीं थी कि MPAs और MNAs को प्रोजेक्ट्स के लिए दिए जाएं जब आप दूध के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। तो दूसरा जो काम करना है वो हुकूमत के अखराज को कम करना है, जारी अखराज को भी कम करना है और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को भी कम करना है। तीसरी चीज, हम ये समझते हैं कि ये नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तानी खानदान या पाकिस्तानी लोग या पाकिस्तानी फैमिलीज टैक्स बहुत ज्यादा दे रही हैं, हम समझते हैं कि हुकूमत जो है वो अखराजात बहुत ज्यादा कर रही है। तो मैं नहीं समझता हूं कि अब टैक्स में किसी भी किस्म की बढ़ोतरी आनी चाहिए, बल्कि हम समझते हैं कि नौकरी पेशा लोगों को, बिजनेस इंडिविजुअल्स के टैक्स में फेल फॉर कमी करनी चाहिए और साथ साथ हम ये नहीं कह रहे कि खसारा बढ़ा दें, साथ साथ अखराजात कम करने चाहिए। उसके बाद ऑब्वियसली कोई भी मुल्क अमीर नहीं हो सकता कि जो लोग जाहिल रहें या लोग गुर्बत में रहें, तो हमको लोगों को आगे लाना होगा, उनको तालीम बेहतर देनी होगी, उनको सेहत देनी होगी। बिल्कुल सही है, ये बड़ी आपने वैसे इंपॉर्टेंट बात की है कि टैक्स तो आप लगा रहे हैं लेकिन साथ साथ हुकूमत को अपने अखराजात भी तो कम करने चाहिए। अखराजात अपने कम होंगे तो उसके बाद आप आवाम के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो कर सकेंगे, आप रिलीफ दे सकेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा मिफ्ता साहब, एक जो तनकीद होती है या कुछ मैं कहूँगी कि सवालात भी उठते हैं, उनका भी मैं चाहूँगी आप जवाब ज़रूर दें। जिस तरह कहा जा रहा है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI दीगर जमातें, तीन पॉपुलर जमातों की बात की, लेकिन इसके अलावा भी देखा जाए तो काफ़ी सारी जमातें हैं जो कि अपने ओन पर काम भी कर रही हैं, काफ़ी एक्टिव भी नज़र आ रही होती हैं। ऐसे में आवाम पाकिस्तान पार्टी की ज़रूरत कैसे पैदा हुई और किसे है ये जरूरत? में पिछले नून लीग भी हुकूमत में रही है और है अभी भी, आज भी पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में रही है और PTI भी हुकूमत में रही है। आज एक सूबा PTI चला रहा है, एक सूबा, दो सूबे पीपल्स पार्टी चला रही है और एक सूबा नून लीग चला रही है। आपके अगर ख्याल से मुल्क की हुक्मरानी ठीक है, आपके ख्याल से
मुल्क सही डगर पे चल रहा है तो फिर किसी और पार्टी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके ख्याल से ये मुल्क सही डगर पे नहीं चल रहा कि सियासी लीडरान जो हैं वो पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सियासत सिर्फ ताकत के लिए कर रहे हैं, सियासत सिर्फ हुकूमत के उसूल के लिए कर रहे हैं लेकिन किसी उसूलों के लिए नहीं कर रहे, अवाम की बेहतरी के लिए नहीं कर रहे, तो मैं समझता हूँ कि फिर आपको और लोगों को मौका देना चाहिए, हमको भी एक मौका देना चाहिए, हमारी बात सुन लें सिर्फ। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम लोगों के सामने, अवाम के सामने अपनी बात रखें, उसके बाद फिर जो अल्लाह की मर्जी है। और जब हम किसी कामयाब पार्टी की बात करते हैं मिफ्ता साहब, तो जाहिर है या तो हम देखते हैं कि कोई ऐसा लीडर होता है, कोई ऐसी पर्सनालिटी होती है जिसके बहुत फॉलोअर्स होते हैं या फिर इलेक्टेबल्स होते हैं उस पार्टी में। तो अगर हम अवामी पाकिस्तान पार्टी की बात करें तो इसमें इलेक्टेबल्स के हवाले से आपकी सोच क्या है, यानी बड़े बड़े नाम जिनको आप सोचते हो कि वो पार्टी में आ जाए या कि नहीं सोच रहे? देखिए, हमने कभी भी बड़े नामों की सियासत नहीं करी है, जिसको हमने किसी सियासतदान को आज तक दावत नहीं दी पार्टी में आने की। हमारे पास जो नाम है वो दानिश्वरों के नाम है, हमारे पास पाकिस्तानियों के नाम है, हमारे लिए तो सारे नाम छोटे बड़े कोई भी नहीं होते, सारे पाकिस्तानी होते हैं। आप देखेंगे डॉक्टर तारिक बनोरी जो कि HEC के चेयरमैन थे और शायद पाकिस्तान के फॉरमोस्ट एकेडमिक एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। एक डॉक्टर आयशा खान है जो कि औरंगी पायलट प्रोजेक्ट भी चलाती हैं, रावलपिंडी में ऐसे ढोकल में ऐसा प्रोजेक्ट किया वो चलाती हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा जो PTI के हेल्थ वजीर थे वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर तारिक चीमा हमारे साथ हैं, ये वो शख्स हैं जो अमेरिका में फिजिशियन थे, वो सब कुछ छोड़ के आ गए पाकिस्तान और इस्लामिक चैरिटीज करते हैं। पिछले 4-5 महीनों में मुझे 4 मरतबा वो गाजा गए हैं और फलस्तीन गए हैं और वहाँ पे लोगों की मदद करी है। तारिक सुलेमान हैं हमारे, कायदे आजम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। डॉक्टर लाला रुख साहिबा हैं जो IBA में पढ़ाती हैं। डॉक्टर जैनब सैयदा जैनब सफवारी हैं जो कि फ्रांस में पढ़ा चुकी हैं। तो ऐसे बहुत सारे दानिश्वर पढ़े लिखे लोग हैं, दिलशाद हैं, फरूख अब्बासी हैं, फैजान हैं, यंग बच्चे हैं हमारे पास, यंग लोग हैं, जन्नत मजारी है, हरीम गोडल है जो कि यंग ख्वातीन और बेटे लड़के हैं जो कि हमारे साथ हैं। लेकिन सियासतदानों में अगर किसी को आना है इलेक्टेबल्स को, तो उसके लिए हमारी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। सिर्फ दो हमारी गुजारिशात हैं कि एक तो आपकी शोहरत जो है वो नेक शोहरत होनी चाहिए, कोई माजी दागदार नहीं होना चाहिए, और दूसरा थोड़ी सी अहलियत होनी चाहिए। अगर ये तो अहलियत बहुत आम है चूंकि इस वक्त आवाम को अहलियत चाहिए जिनके मसले हल करें, आवाम को वैसे हाँ वाकई मसले हल किया। सबसे बड़ा मसला मिफ्ता साहब अभी जाहिर है टैक्सेस किस तरह से बढ़ गए ये हमने देखा, लोग बहुत परेशान हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस सबके सामने, मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है वो आपके सामने है। अच्छा, अब आवाम की परेशानी के हल के लिए एक तो आपने ही बताया कि जाहिर है हुकूमत जो है वो अपने अखराजात वो कम कर सकती है, इसके अलावा किस किस तरह से हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम कर सकती है? ये इसलिए पूछा था कि लोगों को मालूम हो कि कर सकते कर नहीं रही। देखिए, कल भी हुकूमत ने ये बात की कि हम गरीब तरीन लोगों को कुछ 3 महीने के लिए रिलीफ करके देंगे, अच्छी बात है। उसके भी वो कह रहे थे कि हम जो चार्जेस हैं वो दूसरे बिलों में बढ़ा के देंगे, ये बात दुरुस्त नहीं है। अब मेरे ख्याल से अगर हुकूमत चाहती, अगर मैंने जैसा शुरू में मिसाल दी कि 1400 अरब रुपया इन्होंने PHDP में खर्च करने को रखा था, अब 1150 शायद है, और 700 अरब रुपया पिछले साल खर्च हुआ है, तो उसको क्या जरूरत थी? वो 450 अरब रुपया ना करते तो ना आपको सैलरी लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाना पड़ता, ना आपको दूध के ऊपर टैक्स लगाना पड़ता, ना आपको इन्फेंट फार्मूले के ऊपर टैक्स लगाना पड़ता, और ना ही आपको ये बिजली के इतने रेट बढ़ाने पड़ते। लेकिन अगर आप अपने अखराजात कम नहीं करते, अगर आप अपने जारी अखराजात जिस पे आपने 24% इजाफा किया है वो कम नहीं करते, और आप अपने शाही अखराजात कम नहीं करेंगे, तो फिर आवाम के ऊपर बोझ आएगा। कम से कम पहले तो, इससे पहले कि आप मजीद बोझ डालें, आप आवाम के ऊपर बिजली के बिल महंगे करते हैं जिससे महंगाई भी आती है, आप कम से कम अपने अखराजात तो कम करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अखराजात सिफर कर दें, लेकिन ये जो मतलब डबल तो ना करें, पिछले साल जितने ही रहने देते अगर अखराजात, तो आप देख लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया कि हुकूमत अपने अखराजात कम करे ताकि अवाम पर टैक्सेस का मजीद बोझ ना पड़े। क्योंकि हम यही देख रहे हैं मिफ्ता साहब के गुरबत बढ़ रही है, तकरीबन 10 करोड़ शहरी गुरबत का शिकार हैं इस वक्त, और इसकी शरह में हम इजाफा देख रहे हैं। तो ज़ाहिर है इसमें हम ज़रूर आपसे बात करना चाहेंगे, बिकॉज आज का दिन भी बहुत अहम है, चूँकि आज आबादी का दिन मनाया जा रहा है, और जब पाकिस्तान की आबादी हम देखते हैं मुसलसल बढ़ रही है, वसाइल तेज़ी से गिर रहे हैं, लेकिन किसी जमात के पास हल नहीं है इसका कि पाकिस्तान के जो वसाइल कम हो रहे हैं जिसकी वजह से अवाम मुतासर हो रहे हैं, तो हल क्या है उसका? देखिए, पिछले साल पाकिस्तान के अंदर 9 करोड़ लोग खत गुरबत के नीचे थे, और वर्ल्ड बैंक का ये तखमीना था कि एक साल में 1 करोड़ लोग और चले जाएंगे। इस बजट के बाद मैंने 12 ये कहा है कि इस बजट के बाद कम से कम 1 से 1.5 करोड़ लोग और खत गुरबत के नीचे जाएंगे, और ये बड़ा मैं इसलिए समझता हूँ कि ालिमाना बजट है। एक इसलिए कि ये खत गुरबत के नीचे बहुत लोगों को डालेगा, और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कोई असलाहत नहीं है, और हमारे जो
पाकिस्तान का इस वक्त जो जो जहाँ पे पाकिस्तान पहुँच गया, जहाँ पे पाकिस्तान की मईशत पहुँच गई, वहाँ हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम वक्त ज़ाया कर सकें। हमको इस्लाहात करना इसी साल ज़रूरी थी। हमने बतदरीज अपने मशवरे दिए हैं, मैंने और दीगर लोगों ने, हमने मजमून लिखे हैं अखबारों में, टीवी पे जाते हैं, मैं, शाहिद अब्बासी साहब, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, दीगर लोग, हम ये बातें करते हैं हर जगह पे, पॉडकास्ट करते हैं, तो हमने तो अपने मशवरे दिए हैं अपने दोस्तों को। अच्छा। और ऐवान इख्तदार तक हमारी आवाज़ पहुँचती है, लेकिन अगर वो नहीं सुने किसको, तो नहीं ज़ाहिर है उसको ज़ाहिर है फिर देखा जाएगा कि वो नहीं सुनते तो उसकी क्या वजह है, उसकी जस्टिफिकेशन तो कोई भी नहीं दे पा रहा होता। अब ऐसे में जस्टिफिकेशन टैक्स की तो हर जगह ये दी जा रही होती है, जी IMF कह रहा है कि जी टैक्स बढ़ाओ, जो टैक्स नेट है वो वसी क्यों नहीं होता, टैक्स देने वाला ही मजीद टैक्स क्यों दे रहा होता है, वही इसी बोझ के नीचे आ जाता है। क्या IMF ऐसा कहता है कि जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर ही बोझ डाला जाए? IMF बिल्कुल ऐसा नहीं कहता, और ये हुकूमत की तरजीहात हैं, इस हुकूमत की तरजीह है ये कि दुकानदारों के ऊपर टैक्स ना लगाए। शुरू में तो औरंगजेब साहब ने बात की थी कि दुकानदारों के ऊपर टैक्स लगाएंगे, उन्होंने अप्रैल में ये काम शुरू भी किया। पहले तो इन्होंने अप्रैल में कहा था कि हम अप्रैल से लेना शुरू कर देंगे, फिर शबाज साहब सपोजिटली नहीं माने तो उन्होंने अप्रैल में एक वॉलंटरी स्कीम करी, लेकिन इसको नहीं करने दिया उनको, उनके हाथ बांध दिए गए। आज भी औरंगजेब साहब कहते हैं कि वो मिश्ता साहब ने जो की थी बात वो ठीक थी, वो इसलिए कहते हैं कि उनको करने देते वो, लेकिन उसकी जगह आपने क्या किया कि आपने मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर 2% और टैक्स डाल दिया, जो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो खुद नहीं देंगे, वो अपनी कीमतों में बढ़ाएंगे और जिसकी कीमत मैं और आप देंगे एक्स्ट्रा। बिल्कुल। लेकिन हुकूमत जो है वो ना जरिए अराजी वालों से टैक्स लेने के लिए तैयार है, ना दुकानदारों से टैक्स लेने के लिए तैयार है, और ना ही वो अपने मराद छोड़ने के लिए तैयार है। मिफ्ता साहब, जो मुफ्त बिजली लेता है वो मुफ्त बिजली वाले मामले पे भी खामोश रहता है, किसी को मुफ्त पेट्रोल मिलता है कहता है बस मेरा काम चलता रहे। मैं अशराफिया की बात कर रहा हूँ, मैं ब्यूरोक्रेसी की बात भी कर रहा हूँ, मैं हर उस शख्स की बात कर रहा हूँ जो कि इस वक्त पाकिस्तान के ख़जाने पर बोझ है। और ये चूँकि इस पर बात बहुत होती है कि ख़जाने पर बोझ होती है मराद, ये सब्सिडी, आपके ख्याल में अगर आप शेयर कर सकें कितना बड़ा बोझ होता है ये खजाने पर? देखिए भाई, इसका खजाने पर एक्चुअल बोझ कितना है मुझे इसका अंदाजा नहीं है। ठीक है, पता नहीं 500 अरब रुपया होगा इसका बोझ, और बहुत मुख्तलिफ जगहों से मराद जाती हैं। अगर वापडा के एम्प्लॉयज़ को सही बिजली मिलती है तो कौमी खजाने से तो एक लिहाज से जाता है, क्योंकि वापडा कौम हुकूमत ओन करती है, लेकिन वो वापडा के अकाउंट से चले जाता है। मेरा मसला जो इससे वो ये है कि अगर आप किसी मिसाल के तौर पर एक जज को आप फ्री बिजली दे रहे हैं और उसका बिल आ रहा है 1 लाख रुपए का, मैं कहता हूँ उसको 1 लाख रुपया कैश दे दो, आप देखिएगा कि एक तो उसका बिल खुद कम हो जाएगा। जब हुकूमत पैसे दे रही होती है तो आप भूल जाते हैं बटन बंद करना। सही बात। लेकिन आप देखें कि आपके घरों में, हमारे घरों में, जब वालदैन निकल, बच्चे कभी अक्सर बंद नहीं करते पंखे पत्ती, लेकिन जब वालदैन निकल रहे होते हैं तो फौरन वो बंद कर देते हैं स्विचेस, क्योंकि हमें पता है कि बिल कितना आ रहा है। तो अब लोगों के ऊपर, लोगों को, किसी को फ्री बिजली नहीं देनी चाहिए, किसी को फ्री पेट्रोल नहीं देना चाहिए। आपने देना है, आप तनख्वाह का हिस्सा बना दें। आप कह दें भाई आपका फ्यूल अलाउंस 50,000 रुपए, आपका बिजली का अलाउंस 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, जो भी आप समझते हैं मैं मुनासिब, उसको आप दे दें उस हिसाब से, ताकि वो रिफ्लेक्ट हो, ताकि रिफ्लेक्ट हो, वो उनकी सैलरीज पे रिफ्लेक्ट हो। ये बहुत जरूरी है, बहुत मुनासिब बात आपने की है कि जब आप इस तरह किसी को रिसोर्सेज देते हैं ना उसका बेदरक इस्तेमाल होता है, और ये नहीं होना चाहिए। इस पर बहुत आवाजें भी उठ रही हैं कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, ये सब्सिडी, ये मरात, ये नहीं मिलनी चाहिए किसी को भी। हाँ, आपकी सैलरी पर सब कुछ रिफ्लेक्ट होना चाहिए ताकि मालूम हो कि किसको क्या मिल रहा है। मिफ्ता साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।